और इसमें आपको आंसर मिलेगा कि गोइंग फॉरवर्ड यहां से ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाला है, बिटकॉइन कैसे परफॉर्म कर सकता है, ऑल्टकॉइन कैसे परफॉर्म करेगा। तो आंसर जानने के लिए वीडियो को अंत तक विदाउट स्किप किए देखना। हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ CITA चैनल पे। दोस्तों फाइनली जो है हमारे पीछे जो दिख रहा है चार्ट पे, मुझे बताने की जरूरत नहीं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले पास्ट 2 मंथ्स में। एंड डेफिनेटली आप अगर ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि हाँ डेफिनेटली मार्केट बढ़ गया है तो एक बार फिर से कोई वीडियो बनाने के लिए बैठ गया है। तो डेफिनेटली आप इसका मतलब मुझे जानते नहीं हो। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं अब जब भी वीडियो लाता हूं तो खतरनाक वीडियो लाऊंगा थ्रू आउट दिस बुल रन, एंड वो आपको ऐसे ही इंपैक्ट क्रिएट करेगा जैसे पास्ट 6 मंथ में, पास्ट 1 ईयर में। अगर आपको यकीन ना हो तो जरूर इस वीडियो को अंत तक बने रहो, देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है कैसे है। जरूर जो है ये इन्वेस्टमेंट जर्नी का 2023-2025 के सीरीज का ये एक अपडेटेड वीडियोस है अक्टूबर के मंथ में, और मैंने ये पोस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि जो लोग सोए हैं अभी भी जाग जाओ, क्योंकि मार्केट ने एक बार और एक कंफर्मेशन दे दिया। जी हाँ गाइस, ये मार्केट का परफॉर्मेंस है जो लास्ट पिछले एक महीने का है। एंड बिटकॉइन आपको 30% गेन दिख रहा है, इथेरियम 15%, बहुत सारे ऑल्टकॉइन ने बहुत ज्यादा गेन दिखाए, बट मैं हाई मार्केट कैप कॉइन की भी बात करूं तो काफी अच्छा मूव देखने को मिला मार्केट में। लेकिन ये मूव हो चुका है, इसका क्या लेना देना है बॉस? बिटकॉइन 35,000 टच कर गया, अब मैं क्या करूं? अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आपको आंसर मिलने वाला है। अगर आपका क्वेश्चन है कि ऑल्टकॉइन में मुझे एंट्री बनानी है, कैसे बनाऊं, किस बेस पे बनाऊं, तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऑलरेडी ऑल्टकॉइन एनालिसिस शुरू कर चुके हैं। आपको पता नहीं है, यानी कि आप नए हो इस चैनल पे, तो इस पूरे वीडियो को देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं उसी की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं इससे पहले एनालिसिस पे बढ़ूं एंड मैं ज्यादा डिटेल में बातें करूं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यार, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। यहां ऑनवर्ड्स जितने भी वीडियोस के ऊपर मैसेज दिखेंगे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सब कहीं ना कहीं एक मेरा दिया हुआ स्ट्रैटेजी है, मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट है, इन सारे एस्पेक्ट पे मैं काम करके जो हूं एक लेवल पे पहुंचा हूं, और वो मैं कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प कर रहा हूं मेंटरशिप के थ्रू। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के अंत में बने रहो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मेरे साथ जुड़ने का, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ सीखने के लिए, क्यों इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। बट जितने लोग भी अपडेट के लिए वेट कर रहे थे कि मिश्रा जी कब नेक्स्ट वीडियो लाओगे अपडेट के ऊपर, तो लास्ट वीडियो जब आया था आज से 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक टेलीग्राम पे सेशन किया था, उसको मैंने एज इट इज डाल दिया था यूट्यूब पे भी, सो दैट बाकी लोग उसको सुने समझे। और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो प्लीज जुड़ जाओ, इसमें फायदा आपका रहेगा, मेरा तो डेफिनेटली होगा ही, बट इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी मैं कोई चीजें शेयर नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब पे, वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू अपडेट मिल जाता है एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको लिंक मिल जाएगा, ये भी मैं बता दूंगा कैसे, बस बने रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों पे वीडियोस बनाने लगा हूँ, पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं डेली वीडियोस बनाता था, और अब एक मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच चुका है और यहाँ पे एक हमें रिव्यू करने की जरूरत है, और मैं यहाँ पे रिव्यू एक काइंड ऑफ मार्केट का अभी करूंगा, और इसमें आपको आंसर मिलेगा कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाला, बिटकॉइन कैसे परफॉर्म कर सकता है, ऑल्टकॉइन कैसे परफॉर्म करेगा। तो आंसर जानने के लिए वीडियो को अंत तक विदाउट स्किप किए देखना। एंड सबसे पहला आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो है यहां पे, कहां पे? अगर आपने अभी तक मेरे कोई भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, यानी कि 8 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं बिटकॉइन के ऊपर, 7 एनालिसिस प्लस 1 इथेरियम के ऊपर, अगस्त के मंथ में लास्ट पोस्ट किया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी से 2 महीने का टाइम है, बेस्ट एक्यूमुलेशन टाइम है, कर लो, और वो टाइम एग्जीक्यूट हो गया, बीत रहा है। और डेफिनेटली अब जो है बाकी ऑल्टकॉइन में भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, और इस बीच में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना शेयर कर दिया, कहां पे? इन्वेस्टमेंट जर्नी में। आपके पास जो यहां पे लिंक दिख रहा है इस पे आपको जाना अगर आप अभी तक नए ही गए हो, और ये जो फ्री दिख रहा है ना, ये फ्री एंट्री मैंने अभी नहीं 2 महीने पहले से बता रहा हूं कि ये एंट्री जो है फ्री तब तक के लिए ओपन है जब तक मार्केट में अपॉर्चुनिटी, और मैं लास्ट टेलीग्राम पे आपको कई दिनों से अपडेट कर रहा हूँ कि ये अक्टूबर एंड में क्लोज हो जाएगा, और ये बात मैंने आपको कई दिन पहले कहा था। अब मार्केट ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे मुझे इसे फ्री नहीं रखना है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि लोग मुंह उठा के आते हैं और कहीं पे भी एंट्री मार के और फिर क्रेडिट दे जाते हैं लॉस का सारा का सारा,
किसी क्रिएटर के ऊपर। और मेरा मानना है कि मैं क्लोज एनवायरनमेंट में इस बार पूरा जर्नी लेके जाऊंगा, जैसे पिछले साल 2022 में और 2023 का जर्नी लेके गया बिटकॉइन को, जहां पे 15,000 से 17,000 के बेस्ट में बीच में हमने एक्यूमुलेट किया, हमने बाकी सारे ऑल्ट कॉइन को भी एक्यूमुलेट किया था लास्ट ईयर। और उसका फर्स्ट टारगेट पे हमने जून जुलाई के आसपास मैंने कहा था कि अगस्त एंड होते होते किसी भी हाल में सूरत में आप एटलीस्ट प्रॉफिट मेकिंग जरूर कर लेना। तो उस सबका बेनिफिट उन लोगों ने जरूर उठाया होगा अगर आप एक्शन टेकर हो। जरूर यहाँ पे स्ट्रेंज लगता है कि 18 रिव्यू है, बट यस समटाइम यू नो लोग भूल जाते हैं, अगर क्वालिटी कंटेंट मिलता तो उसको अप्रिसिएट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो फ्री में होता। और मेरे इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में सारे लोग ऑलमोस्ट फ्री के हैं, बस कुछ ही लोग पेड है जो लास्ट टाइम फोमो में आए थे। और मैं फिर से बता दूं, अक्टूबर के बाद ये फ्री नहीं रहेगा, अक्टूबर एंड होने के साथ ही 1 नवंबर ऑनवर्ड इसके ऊपर एक प्राइस टैग लगेगा 2,000 रुपीज, सो दैट आपको समझ में आए कि अब यहां से ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है जो भी हमने ऑलरेडी इस साल कर लिया है। तो अभी भी फ्री एंट्री अवेलेबल है, ऑलरेडी मैंने यहां पे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस डाले वो सब यहां पे लिस्टेड है। 2023-25 का जो इन्वेस्टमेंट का जो फ्रेश हमने जर्नी स्टार्ट किया उसका रूल क्या है वो सारा कुछ मैंने आप लोग को शेयर कर दिया है, ऑल्ट कॉइंस के लिस्ट दे दिए हैं। यही नहीं, 2022 का जो पुराना जर्नी है वो सारा आप अभी भी जाके रिव्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट है और ये 2 साल के लिए एंट्री आपका ओपन हो चुका है। ऑब्वियसली आप लोगों के पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, बट यहाँ पे जो हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ये 2 साल तक वैलिड रहेगा। तो ये एंट्री जो है 1 नवंबर को पेड हो जाएगा। फिर मेरे से फ्री में मत मांगना, ये सिर्फ बताने के लिए है कि प्राइस महंगा हो चुका है, ऑलरेडी महंगा हो चुका है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है 1 नवंबर तक। और यूट्यूब पे साथ ये इन्फॉर्मेशन नहीं गया था, तो अभी भी आपके पास पूरे 1 वीक है, आप आराम से इसमें एंट्री ले लो और ये सारे वीडियोस देख लो, आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आपको टेक्निकल्स नहीं भी आता, आपको अगर ट्रेडिंग नहीं भी आते, तो भी आप बेसिक वे में कितना क्या बना सकते हो, 10x बना सकते हो, 100x बना सकते हो, 1000x बना सकते हो, सारा कुछ रियलिस्टिकली यहाँ पे मैंने शेयर किया। तो प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस एंड उसके बाद आप मेरे साथ इस 2025 तक की जर्नी में इसे एंजॉय कर सकते हो। एंड डेफिनेटली इस बीच में हम कई बार एग्जिट करेंगे, वो भी यहाँ पे टाइम टू टाइम बताया जाएगा। तो गाइस ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट जर्नी की, और इन्वेस्टमेंट जर्नी के कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो सारे के सारे हैं ही। ये जो ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस अब मैं गोइंग फॉरवर्ड सेपरेट करूंगा, उसमें से कुछ ही ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, बिकॉज और उसके टारगेट भी बहुत ही मिनिमम यानी शॉर्ट टर्म के होंगे, और वो इसलिए ताकि लोग अट्रैक्ट ना हो, ताकि लोग होल्डिंग के चक्कर में अपना नुकसान ना करा लें, क्योंकि होल्डिंग का कॉस्ट क्या है 2 साल, और 2 साल में तो बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगा। तो मैं आपको एक जर्नी पे ले जा रहा हूं और मैं यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन जो भी है मैंने यहाँ पे शेयर किया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकमेंडेशन लिस्ट मिल जाएगा। आपको इस लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा इन्वेस्टमेंट जर्नी 2023-25 फ्री एंट्री अवेलेबल, आपको जाना है और ये लिंक यहाँ पे आपको लैंड करा देगा। सो दैट इज ऑल अबाउट कि कैसे यहां तक पहुंचे, इस कोर्स में इनरोल हो, और ये फ्री है टिल बिफोर 1st November 2023, उसके बाद ये पेड हो जाएगा फॉर दिस ईयर। एंड नेक्स्ट फ्री एंट्री 2024 में जरूर वही ओपन होगा, लेकिन वो आप मान के चलो कि लगभग अप्रैल मई के बाद होगा। वो जब होगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा टेलीग्राम पे सबसे पहले, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पे सबसे पहले। इन सब चैनलों पे अगर नहीं जुड़े हो तो हमारे इसी रिकमेंडेशन लिस्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम के लिंक, व्हाट्सएप के लिंक, इन सबको फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। और अब व्हाट्सएप के नंबर पे हमारा चैनल भी अवेलेबल है, तो वो भी आप बेल नोटिफिकेशन के साथ अगर आप इनेबल कर लेते हो तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जैक्टली गाइस कि बिटकॉइन क्या कर रहा है और यहां से कैसे गेम चलने वाला है। तो आज जो डेट हो गया है वो हो गया है 26 अक्टूबर 2023। जी हाँ दोस्तों, ये जब लास्ट एनालिसिस मैंने शेयर किया था, ये एक एनालिसिस है जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट किया था 15 अगस्त के ऑनवर्ड्स, एंड 15 अगस्त के दिन और उससे एक दिन पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया था इथेरियम के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, ये उन्हीं एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं। और इस एनालिसिस पे मैंने आपको कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों क्रॉसओवर एक साथ हो, लेकिन यहाँ पे एक अपडेट है, तो वो अपडेट मैं सबसे पहले शेयर करूंगा। और मैंने आप लोगों को कहा था कि बेस्ट एक्युमुलेशन जोन स्टार्ट हो जाता है 28,000 से, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई प्ले आउट होता है, जब नियर बाय 28,000 गया था उस वक्त मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे वीडियो पे भी और टेलीग्राम पे भी मैंने आपको कहा था कि 25,000 इज द की लेवल, और यहाँ पे द वे वी आर प्रिंटिंग द कैंडल इट्स वेरी मच कंफर्म। बट वहां पे भी रिस्क तो रहेगा ही, रिस्क एसोसिएटेड रहेगा। उस वक्त मार्केट में रिस्क था 24,200 टेस्ट होने का, आज वो लेवल उठ के पहुंच गया है $25,443। तो जो लोग इंतजार कर रहे हो कि 25,000 के बिलो बिटकॉइन मिलेगा, तो अब मेरी तरफ से इसका आंसर ये है कि शायद ना मिले, और मिले भी तो शायद हालविंग के बाद एक बार, और शायद शायद, और उसके चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर होता है। तो वो जो शायद है ना, उसको संभाल के रखना अगले 6 महीने के लिए, शायद
एक बार वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वो गारंटेड नहीं है। उसके परसेंटेज आज के डेट में बात करूं तो मात्र 5-10% अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है इस रेंज में, 25,000 की रेंज में अब गोइंग फॉरवर्ड। सो क्या मार्केट में यहां पे इससे नीचे भी डिप जा सकता है, तो आपको समझ में आ गया उसका परसेंटेज और कम होगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और पिछले एक साल में मैंने कभी भी ये बात नहीं कही थी, और मैं अब ये बात कह रहा हूं कि अब उसके चांसेस ऑलमोस्ट बहुत ही रेयर हो गया है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बिटकॉइन उन रेंज को छू सकता है। जो लोग वेट कर रहे हैं 20,000 के सीएमई गैप को हम फुलफिल करेंगे, 9,000 के सीएमई गैप को फुलफिल करेंगे, तो शायद उनको 4-5 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद मार्केट शायद अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन उसके चांसेस आप ही बताओ कितने परसेंटेज होंगे। बट फिलहाल के लिए अभी जो अगले 2 साल का जो मोमेंटम है, इसमें मार्केट को नया ऑल टाइम हाई बनाना है, इसमें क्लियरिटी हमें दिख रहा है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जिनको हमारे WMC आता है वो स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, बट जिनको नहीं आता उनको मैं समझा दूं, हमने देखा था लास्ट ईयर 7 नवंबर के आसपास प्राइस एक्शन यहां पे, और उसके बाद एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, सपोर्ट लिया बूम किया, सपोर्ट लिया बूम किया। लोगों ने कहा यहां पे कि भैया डबल टॉप हो गया तो मार्केट अब गिरेगा 20,000 की तरफ, तो मैंने कहा अब ये डबल बॉटम हो गया मार्केट उठेगा ऊपर की तरफ, तो यकीन नहीं हुआ। और मैं कई बार बहुत बार बोलता हूं कि यार देखो मार्केट में पैसा डालने का मतलब है रिस्क पे पैसा डालना, लेकिन रिस्क वहां पे रखो, रिस्क वहां पे लो जहां पे चांसेस आपके विनिंग के ज्यादा हो। जब ये कैंडल्स प्रिंट हो रहे थे, एक नहीं 100 बार कम से कम टेलीग्राम पे मैंने मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए थे कि गाइस दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्युमुलेशन, और कुछ समझ में नहीं आता जो भी आपका स्ट्रेटजी उसको फॉलो करो, जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखिए कम से कम एंट्री बना लेना, क्योंकि यहां की एंट्री शायद 2 साल तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो इफ यू वांट। अगेन मैं कौन होता हूं वो डिसाइड करने वाला, आप रिस्क और रिवार्ड मैनेज करो कैसे, इन्वेस्टमेंट जर्नी में इन डिटेल्स समझाया हुआ हूं और आगे भी समझाऊंगा कैसे। बट फिलहाल के लिए बिटकॉइन के ऊपर अपडेट ये है कि यार बिटकॉइन का जो मैंने ड्राइंग किया था, मैंने आपको 2 डेट बताया था, 2 अक्टूबर के बाद ये क्रॉस ओवर हो सकता है पहला, और वर्स्ट केस में 20 नवंबर के आसपास। तो मुबारक अगर आप इस डेट के लिए एग्जैक्ट देखोगे, प्ले आउट हो गया मैन, 2 अक्टूबर के बाद ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। एंड अपडेट ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोनों लाइन एक साथ साथ हो, यानी कि ये अगर आपने पुराना एनालिसिस नहीं दिया देखा है तो मैं बता दूं, ये ट्राई कलर एनालिसिस 15-20 के दिन शेयर किया था, मैंने कहा था कि 50 जो EMA लाइन है वो 200 EMA लाइन को क्रॉस कर रहा है, एंड 100 EMA लाइन भी 200 EMA लाइन को क्रॉस कर रहा है, 200 EMA लाइन भी 100 EMA लाइन को क्रॉस करेगा। तो यहां पे एक कहीं पे दिखेगा आपको डेथ क्रॉस होता हुआ, कहीं दिखेगा गोल्डन क्रॉस होता हुआ, तो किसको ट्रेड करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर वे में हो। तो इसमें एक अपडेट जरूर है कि यहां पे हमें कंफर्म हो गया कि हमारा ग्रीन लाइन जो कि 200 EMA लाइन है उसको काट रहा है कौन, व्हाइट लाइन कौन है, 100 ML लाइन इस वक्त वीकली चार्ट पे क्रॉसओवर दिखा रहा है गाइस, एंड दिस इज हैपनिंग राइट नो, यानी कि ये डेथ क्रॉस है। तो आप कहोगे डेथ क्रॉस है डर जाना चाहिए, तो डर जाओ, अगर यहां पे डर लगता है बिल्कुल डरो, वाई क्योंकि मैं लेवल भी बताऊंगा आपको कहां तक आइडिया मिल सकता है, बट इसके बाद जल्द ही 50 ML लाइन बहुत तेजी से अप्रोच करता हुआ आप दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने दिन गुजारेंगे, यहाँ पे 3 या 4 हफ्ते गुजारने के बाद ये बहुत तेजी से ऊपर आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 20 नवंबर या 1 दिसंबर के आसपास ये क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिले, जो कि हिस्टोरिकली बहुत बड़ा बुलिश इवेंट है। क्यों, ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हूं, आपको अगर जानना है तो समझ लेना। ये ट्राई कलर जब एक साथ हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े मूव आता है मार्केट में, और वो जो मार्केट में बुम बुम, जिसमें बहुत सारे नए लोग कूद पड़ते हैं मार्केट में और 2-2 साल 4-4 साल वेट करते रहते हैं, उन लोगों की एंट्री बनाएगा। लेकिन ये कब होगा, ये होगा 2024 में, यानी कि ये सब होने होते होते, ये सारा अलाइनमेंट होते होते कलर का 2024 आ चुका होगा। एवरेज प्राइस क्या होगा बिटकॉइन का, 36,000 to 40,000 इन बिटवीन, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो एंट्री बनाएंगे वो इन्हीं रेंज पे बनाने वाले हैं इन दिस बुल रन। अगर आपकी एंट्री इससे पहले की है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। और अगर वो एंट्री अभी रिसेंटली जब 30-31-32,000 डॉलर पे था, जब मैं बार बार वार्निंग कर रहा था कि गाइस ये तोड़ सकता है, लेकिन एक बार मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा मल्टीपल वीक्स यहां पे गुजारने वाला, और द वे वी आर रिएक्टिंग हम नीचे जा रहे हैं 28,000 की तरफ, अगर यहां पे एक्शन लिया था और वापस से यहां पे रिबाइंग की है आपने अगर मेरे कहने पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मुझे भी मिलना चाहिए। बट डेफिनेटली जिनको WMC आता है उनके लिए मैजिक नहीं है, WMC में क्लियरिटी में पता चलता है, क्लियरली पता चलता है कि यार यहाँ पे एक डिमांड एरिया था, लिक्विडिटी बन रही है और ये मूव आएगा तो बहुत बड़ा आएगा, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी क्लियर कट कहता है।
तो वो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है गोइंग फॉरवर्ड में जरूर शेयर करूंगा। उसके लिए बहुत टाइम है कि बिटकॉइन अभी अगले 2 साल तक क्यों बढ़ने वाला है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि आज 30% मूव दिखा दिया तो अगले हफ्ते फिर से 30%, फिर उसके अगले हफ्ते 30%, फिर 30%। ऐसे नहीं करता मार्केट में मूव। अगर मार्केट को ऐसा मूव दिखाना होता तो इसे कहता है न्यू कमर। अभी बिटकॉइन क्या हो रहा है, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जवान हो रहा है। 16-17 की एज सबसे ज्यादा जो होता है एनर्जी वाली होती है, तो बिटकॉइन उसी एज में जा रहा है। और ये बात याद रखना, बिटकॉइन की एज क्या हो रही है, 16-17-18 अगले 2 सालों में ये रेंज हिट करने वाला। और इस एज में क्या होता है हमारे साथ, बींग ए यंग पर्सन, वैसा ही कुछ बिटकॉइन भी कर सकता है। यानी कोई रूल फॉलो ना करे, अपने हिसाब से चले, ऐसा पॉसिबल है। बट स्टिल सब कुछ ट्रैकेबल है अगर आपको WMC समझ में आता है तो, बट उसकी बात अलग से करूंगा। तो एक अपडेट ये है कि यार ये क्रॉस ओवर हो गया है और ये डेथ क्रॉस जरूर है, लेकिन यहाँ पे अभी मोमेंटम होल्ड करेगा। जिस वे में मार्केट ने ग्रोथ दिखाया, अगर ये वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है ऐसा ही बुलिस, तो यहाँ पे एक और वीक हम सस्टेन कर सकते हैं। 36,000 के आसपास कहीं ना कहीं स्ट्रगल था। मैंने पहले भी बोला था कि अगर 32,000 का लेवल क्रॉस करता है तो मार्केट बहुत बुलिस हो जाएगा, उसको रोकना बहुत नामुमकिन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 32,000 के ऊपर क्लोजर मिलना इज बिग थिंग, एंड वो हो गया। और जिसका इंतजार हम लोग इस कम्युनिटी में लगभग जो है मई जून से कर रहे थे, वैसे तो मैं इस लेवल का इंतजार पिछले साल से कर रहा हूँ, तो वो घड़ी आ चुकी है जब हमें इसके ऊपर वीकली कैंडल भी क्लोजर मिलता हुआ देखें। तो अब बेस्ट बाइंग एरिया कौन सा होगा, मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही रहता है जब छूट जाती है चीजें। तो देखो यार, मेगा हो गया, 30,000 के बिलो खरीदे हुए एसेट को, 28,000 के बिलो खरीदे हुए एसेट को, 25,000 के रेंज में खरीदे हुए एसेट को, 18,000 के रेंज में खरीदे हुए एसेट को मैं कैसे बोल दूं आपको सीधा बाय करने के लिए। तो आपका क्या रिस्क रिवार्ड है, आप उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। बट मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगा कि आप बिटकॉइन अभी बाय कीजिए, क्योंकि बिटकॉइन की बाइंग तो हमारी कम्युनिटी में हमने कर लिया है फिनिश। और अगर आप नए हो और एक्युमुलेट करना चाहते हो तो एक पुल बैक का इंतजार करो। क्या वो आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट शेयर किए थे और उसके हिसाब से 17 नवंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जहां के बाद से मार्केट जो भी ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा पूरे साल एंड तक, ऐसा हो सकता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, टेलीग्राम पे भी बताया हूं। तो कुछ वैसे अगर बात करूं तो यहां पे चांसेस ब्राइट है कि एक बार हम फिर से रिविजिट करें, एग्जैक्ट लेवल्स भी मैं शेयर करूंगा। तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन की इस एनालिसिस पे। अब दूसरे कुछ चार्ट्स क्विकली से जो अभी तक हमने कवर करा हुआ है पास्ट में, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पाई साइकिल बॉटम वीकली चार्ट पे हमने कहा था कि बेस्ट बाइंग एरिया 28,000 के बिलो, वहां पे एक्युमुलेशन जोन है, वो एक्युमुलेशन के नीचे भी गया 25,000। WMC के हिसाब से बेस्ट एक्युमुलेशन एरिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, 8 वीक लगभग टाइम दिया इस रेंज में 25,000 से 26,000। एग्जैक्ट फिगर में बात करूं 24,800-24,900 तक गया मार्केट, लेकिन आपने क्या किया उस वक्त, वही एक्शन आपका गोइंग फॉरवर्ड भी होने वाला है बाकी चीजों के साथ। और फोमो में आप जरूर आ सकते हो, और यहाँ पे एक जो स्ट्रगल पीरियड था वो अब ओवर हो चुका है, अब ये ब्रेकआउट कंफर्म है द वे वी आर ब्रेकिंग। ओनली थिंग इज कि इस वीकली कैंडल का क्लोजर 32,000 के ऊपर होना चाहिए। अगर ये हो गया तो इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि हम 40,000 इजिली जा रहे हैं। और अब आपको भी लग रहा होगा बहुत इजिली अचीवेबल है, आज से कुछ महीने पहले जब ये रेंज में जा रहा था मार्केट तो कहना बड़ा मुश्किल था, अभी जब 25,000 पे था तब कहना मुश्किल था। बट मैं कह रहा हूँ 40,000 वेरी इजी, वेरी रियलिस्टिक टारगेट, बट उससे पहले 36,000 पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल हो सकता है। यहाँ पे एक दो हफ्ते दिखे, दिवाली आते आते एक पुल बैक जरूर हमें देखने को मिलेगा, बेस्ट केस में बोल रहा हूँ। दिवाली तक अगर यहाँ से 2 हफ्ते की एक कंटिन्यूस रैली भी दिखती है तो भी हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 30,000 की तरफ। उसके पीछे रीजन जो है वो भी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर ग्रोअर करोगे सिंपल समझ में आता है। यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, सपोर्ट लिया, बाउंस दिया, ब्रेकआउट लिया, सपोर्ट लिया, बाउंस दिया, रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब जब नीचे गया मार्केट तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया एंड फिर से ब्रेकआउट मिला। और ये कहाँ मिल रहा है, पाई साइकिल बॉटम के इंडिकेटर पे, और पाई साइकिल के बॉटम इंडिकेटर जब जब सपोर्ट देता है गाइस, इट्स अ वेरी बुलिश थिंग। एंड लास्ट टाइम 2015 जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, साइकिल ज्यादा उससे मैं रिलेट करता हूँ, मुझे कोई दोहरा ही नहीं लग रहा कि बिटकॉइन जो है ओवरऑल वीकली चार्ट पे अब टुवर्ड्स 40,000 प्लस जाएगा। बेस्ट केस में 48,000 का फिगर है, बट मैं एवरेज केस 40,000 लेके चल रहा हूँ, एंड यू नो एवरेज केस वैसे 45,000 बनता है, बट मैं अगर सेफ साइड आपको बताऊँ, सेफ साइड मिनिमम करके बताऊँ, तो 40,000 इज द बेस्ट केस, जो कि मैं अगले पहले मैं बोलता था कि अगले 6 महीने में देखता हूँ, अभी से 2 हफ्ते पहले भी बोलता था मैं, 6 महीने के मतलब कि मार्च से पहले पहले अगले साल, और उसके चांसेस ब्राइट कि जनवरी के आसपास हो। बट अभी द वे वी आर मूविंग, स्टिल आई एम थिंकिंग कि एक पुल बैक एंड उसके बाद हम इस लेवल को रीच कर रहे हैं। अगर पुल बैक नहीं लगे और डायरेक्ट रीच करते हैं तो एंट्री बनानी चाहिए, मैं कहूंगा नहीं। 40,000 के आसपास या 48,000 जाने के बाद जब पुल बैक लगेगा वापस से 30,000 के आसपास, वहां पे डेयरिंग दिखाना नेक्स्ट टाइम,
वो होगा 2024 का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, 2024 का बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्या वहां पे कोविड डंप जैसा सिनेरियो बन सकता है? देखो अपने को नहीं पता कौन सा इवेंट आने वाला है, बट अपने को प्राइस एक्शन पता है और अपने को ये पता है कहां पे कितना रिस्क खेलना और कितने दिनों का वो रिस्क होगा। तो अगर वैसा कुछ हुआ तो भी वर्स्ट केस क्या हो सकता है, कोविड ने अगर ग्रीन लाइन तोड़ा तो रेड लाइन तक आया और रेड लाइन आज की डेट में कहां पे है, लगभग लगभग 17,900, तो अभी भी जा सकता है। गाइस डू रिमेंबर जिस दिन ये यू नो क्रॉस कर रहा था, जब ये क्रॉस कर रहा था उस वक्त ही काफी नीचे था, जिस वक्त प्राइस फॉल किया उस वक्त वो देखना होता, ठीक है। तो अभी ये देख के नहीं कह सकता एग्जैक्ट लेवल, बट ये बहुत तेजी से अब अगले 3 महीने में बढ़ने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद ही रियल जो ड्रॉप होगा मार्केट का, रियल जो एक्युमुलेशन नेक्स्ट होगा बिटकॉइन में, वो 40,000 टेस्ट करने के बाद ही होगा। तो अब आपने एंट्री मिस की है तो मैं कहूंगा पेशेंस बनाओ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को कहा था कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, यस मैं अब कहूंगा नो, 30,000 के ऊपर डॉलर कॉस्ट एवरेज मेरे लिए वैलिड नहीं है। 30,000 या 31,000 अब वो मैं फ्रीडम दे देता हूं, अभी इस टाइम को अक्टूबर को कंसीडर करते हुए मैं कहूंगा नहीं अभी वैलिड नहीं, अभी मत करो, अब तक नहीं किया पिछले 2 महीने में, अगस्त का वो वीडियो था, अब तक नहीं किया तो अब क्यों करना। एक्युमुलेशन का वो जो था ना डॉलर कॉस्ट एवरेज वाला, वो कैलकुलेशन बाद में लगाना आप, एंड जो ऑलरेडी एक्युमुलेटेड हो दैट इज फाइन। इथीरियम का भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया था और इथीरियम अभी भी बाइंग एरिया में और वो भी कंफर्मेशन दे रहा है, तो चलो उसकी बात मैं जरूर करूंगा आने वाले वीडियोस में, बट फिलहाल के लिए बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन के ऊपर फॉलोअप करते हुए नेक्स्ट चार्ट पे बढ़ते हैं और इस चार्ट की बात करता हूं। जिस वक्त पहली बार इस साल 2023 में पहुंचा था, मैंने कहा था कि गाइस ये सब लोग बोल रहे हैं $10,00,000 जाने वाले, मैं कह रहा हूं नहीं जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। जब ये पुल बैक आया था मैंने कहा था कि बेस्ट बाइंग एरिया है 24,000 के नियर बाय, 25,000 के आसपास। फिर जब ये मूव आया मैंने कहा था कि बहुत चांसेस है, ब्राइट है कि 36,000 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो तब जब हमें इसके ऊपर क्लोजर मिला और क्लोजर हमें मिला नहीं, तो मैंने कहा था कि गाइस गेट रेडी फॉर अनदर डंप, और इस टाइम अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी बिंदास करना, क्योंकि अब जो है यहाँ पे मार्केट कन्फर्मेशन की तरफ जाएगा और ये हालविंग से बिल्कुल शेड्यूल टाइम पे हो रहा है, तो देर इज अ हाई परसेंटेज चांसेस कि हम ब्रेकआउट दिखा दें इस लेवल पे, और वही हो रहा है। देखो ये होने में कितना टाइम लगा, कई हफ्ते, कई दिन, कई महीने गुजार दिए, लेकिन जब टूटा तो मुश्किल से 10 दिन में तोड़ के ऊपर निकल आया, एंड ये तोड़ चुका है गाइस। जिन लोगों को कप एंड हैंडल दिख रहा था वो भी टूट चुका है, जिन लोगों को इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा था वो भी टूट चुका है, जिन लोगों को नेकलाइन टेस्ट होना बाकी लग रहा है वो भी हो जाएगा। सो हैव पेशेंस, वो कब होगा लेट द चार्ट डिसाइड, क्या वो 40,000 टेस्ट होने के बाद होता है लेट द चार्ट डिसाइड, अगर वो पहले होता है डू द एक्युमुलेशन, अगर वो बाद में होता है अगले साल कर लेना एक्युमुलेशन, बट अभी जो मोमेंटम बिटकॉइन में आया ये शिफ्ट होने वाला है अब ऑल्ट कॉइन की तरफ, तो अब मेरा नेक्स्ट फोकस ऑल्ट कॉइन की तरफ होने वाला है, उसकी भी बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए इस चार्ट को हम लोग अभी से नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, सिंस फ्रॉम 2023 स्टार्टिंग ईयर मैंने कहा था कि ये बुलिश पैटर्न है, बट द वे वी आर यू नो हम लोग द वे ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, मुझे लगता है कि अभी बुलिश ब्रेकआउट नहीं देगा, चांसेस आर ब्राइट कि हम यहां पे होल्ड करें, लेकिन वर्स्ट केस क्या हुआ, फेक आउट देखने को मिला और फिर से ब्रेकआउट। सो इसीलिए कहते हैं जिसको पैटर्न यू नो पैटर्न जो लोग करेंगे ना वो बोलेंगे कि यार मैं तो अच्छा खासा एंट्री लिया था, ये ब्रेकआउट होने वाला था, हुआ नहीं, अगर होता तो हमारा 60,000 जाता, लेकिन मैं बोल रहा था इस साल के स्टार्टिंग में अप्रैल आसपास, आप पुराने वीडियो जाके रेफर करो, मैंने बार बार बोला कि गाइज ये एक बार में नहीं ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा मुझे, हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम गुजारे, वर्स्ट केस में इस लेवल के बाद हो, लेकिन उससे पहले एक फेक आउट देखने को मिला, लोग डरे और चांसेस थे कि इन लेवल्स को भी जा सकता था, लेकिन हर सपोर्ट एरिया पर रिस्क लेना आपकी जो है रिस्क रिवार्ड को कैपेबिलिटी को दिखाता, आपके हुनर को दिखाता, आपके स्किल्स को दिखाता, आपने एक्शन लिया है तो कांग्रेचुलेशन, नहीं लिया है तो सीख लो, इसी चीज की कमी है, सीखने के बाद भी कई महीनों के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है जब आपका जो स्टडी है वो प्रैक्टिकल दिखता है, और इसीलिए मैं इतना कन्विंसिंग आपको बोलता हूं और फिर बोलते हैं लोग कि ये आप जो बोलते हो वो हो जाता है, मैं जो बोलता हूं वो नहीं होता, मैं अपने स्टडी को कन्विंसिंगली आपके सामने रखता हूं और आप जब सुनते हो तो आपको बिलीव नहीं होता जब मैं वो बातें करता हूं, जैसे अभी बिलीव नहीं होगा कि 30,000 वापस आ सकता है या 29,000 वापस आ सकता है, यस अभी भी चांसेस है 28,000 वापस आने के, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल कम हो रहे हैं, मैंने आपको लेवल्स वाइज बताया और बेस्ट एक्युमुलेशन जोन 30,000 के नियर बाय है। VPVR यही कह रहा बॉस, हिस्टोरिकल जब से ये प्राइस पहली बार इस लेवल को तोड़ा 30,000 को, वहां से लेके आज तक जितना भी वॉल्यूम हमने देखा है उसके ऊपर बैठ गए हैं हम, यानी कि अब सबसे मेजर रेजिस्टेंस कहां पे 36,700 के आसपास है, क्या हम वहां तक डायरेक्ट जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसके लिए आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम एनालिसिस चाहिए होगा और चांसेस आर ब्राइट कि वहां तक चला भी जाए और उसके बाद पुल बैक देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, और ये सब होते होते फिर पूरा नवंबर का मंथ भी खत्म हो जाएगा। तो जो लोग लाइटली ले रहे थे इस जगह के एक्युमुलेशन को,
उनके सामने फैक्ट विल रिमेन फैक्ट। आगे के एनालिसिस हम इसको और ज्यादा एनालाइज करेंगे एंड दिस इज द ब्रेकआउट, दिस इज द ब्रेकआउट, सिंपल ब्रेकआउट है। और जो लोग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन अभी 2024 के बाद ही मुझे लगता है ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा और विद द टाइम ये इस चीज को फॉलो करेगा। बेस्ट केस में इसका ब्रेकआउट उसके बाद ही है। तो अभी वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि जनवरी के आसपास हम 40,000 चले जाएं, ठीक है, एंड तब भी ब्रेकआउट ना दिखा और रेजिस्टेंस खा ले, ऐसा पॉसिबल। इसलिए मैंने कहा कि बेस्ट केस में 40,000 के आसपास देखता हूँ, एवरेज केस जो है वैसे 45,000 के आसपास बनता है, बट मैं बोलूंगा आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाना 40,000 पे, एंड 48,000 इज द पीकेस्ट पॉइंट जहां पे पॉसिबिलिटीज है जाने के मार्केट को, वो लेकिन वो तब होगा जब ये ब्रेकआउट मिलेगा, और ये ब्रेकआउट मिलना थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम भी उतना ही लग सकता है, और तो बहुत बड़ा स्पाइक आया है एंड मार्केट द वे इट इज मूविंग, कुछ दिन पहले आपको बिलीव नहीं था कि 40,000 जाएगा, और अब मात्र बिटकॉइन को डबल करना है इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू ऑल टाइम हाई। 35,000 पे है, अगर डबल हो गए तो 70,000 हो जाएगा, ऐसे ही देखते देखते 15,000 से 35,000 पे आ गए, और कहाँ तक वेट करोगे बॉस। अगर सच बोलो एक्युमुलेशन का बेस्ट टाइम था 2023, मैं बार बार बोला था, बिटकॉइन का तो मैं कहूंगा निकल गया, अब निकल गया, अभी भी जो टाइम है वो चांसेस हैं, अगर पुल बैक मिलता है 30,000 के बिलो, अगर चांस मिलता है बिल्कुल बिंदास करना, नहीं तो 30,000 के आसपास अब करने हैं शुरू कर दो। एंड अगले साल अगर चांस मिला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 30,000 के बिलो, तो वो मैं जरूर बताऊंगा कैसा कब पॉसिबल है, बट वो सब अभी दूर है, कम से कम 5-6 महीने दूर है, तो उसके लिए इंतजार जरूर करना है, लेकिन बैठे नहीं रहना, क्योंकि ये 2 ईयर्स का अपॉर्चुनिटी है एंड डेफिनेटली जो है आप अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर सकते हो, अपना थोड़ा सा एनालिसिस करो। बाकी मैंने आप लोगों को अलग अलग लेवल्स जो पिछले एक साल से शेयर कर रहा हूँ, एक एक करके हर लेवल हमने ट्रैक किया, ये हमारी बाइंग एरिया, ये हमारा सेलिंग एरिया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया तो मार्केट बोलने लगे लोग कि यहाँ पे क्यों ऊपर चला गया, फिर आया अल्टीमेटली हमारी बाइंग एरिया, मैंने कहा था उस टाइम में कि 20,000 के बिलो मिलेगा, फिर उसके बाद ऊपर, ये पूरा जर्नी है यार, मैं इसीलिए इसे इनडेप्थ बता रहा हूँ ताकि जो लोग नए फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं ना, ये पूरा जर्नी मैंने पिछले एक साल से लेके चला हूँ कम्युनिटी में, इसी का नाम है इन्वेस्टमेंट जर्नी, और इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको जुड़ने का बेस्ट टाइम है अभी इस वक्त, क्योंकि इसमें मैं एब्सोल्युटली फ्री एंट्री, इस साल लास्ट ईयर जब बंद हुआ था ना उसके बाद अभी आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो है आपकी मर्जी है, एक्शन लेना आपकी मर्जी है, मैं तो अपने स्टडी रखूंगा एंड अगेन आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं बस अपनी लॉजिक को सिखा सकता हूँ जो कि मैं बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो तो। एनीवे मैं सीखने की बात जरूर कराऊंगा कि कैसे आप इस बुल रन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए और बाकी एनालिसिस क्या कहते हैं इसको भी समराइज कर लेते। तो यहाँ पे अब हम सीधा सीधा अगर देखें, ये लेवल हम पूरे साल 2023 में नहीं क्लियर कर पाए थे, जब ये फर्स्ट टाइम पहुंचा था तब भी मैंने कहा था, जब ये अगेन पहुंचा तब भी मैंने कहा था कि 32,000 के ऊपर क्लोजर मिलना जरूरी, बट अब मिल चुका है, तो ये लेवल अब हमें सिंपल अगर समझ में आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो अब गोइंग फॉरवर्ड सपोर्ट देगा, बट सबसे हैवी रेजिस्टेंस कहां पे मिलना शुरू हो जाएगा 37,900 से लेके 40,000 के नियर बाय, बिल्कुल रिजेक्शन पक्का वाला, थोड़ा सा तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक मेजर रिजेक्शन 48,000 के आसपास जरूर बना हुआ है, बट वो दूर है, तो अभी उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये सारे एनालिसिस आपके सामने मैंने रखा इसलिए ताकि आप समझो कि भैया क्या हो रहा है, और मैंने अभी कुछ दिन पहले जब ये मूव नहीं आया था, शायद उससे पहले मैंने कहा था कि गाइज अब पॉसिबिलिटीज आर हाई, कि यहाँ पे एक हमें जो डेथ क्रॉस था वो डेथ क्रॉस की तरह काम नहीं किया, इनफैक्ट ये हमारे लिए बाय सिग्नल था, और ये अब गोल्डन क्रॉस आने वाला है, और ये गोल्डन क्रॉस मोस्ट प्रोबेबली नवंबर फर्स्ट वीक से पहले हो जाए, अगर ये होता है तो यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेगा। लोग बोलेंगे तो बुलिस है ना, हाँ बुलिस है, लेकिन पुल बैक देखने को मिलेगा, आपको अगर एंट्री की जरूरत है तो उस जगह पे सोचना है, एंड मेरे हिसाब से अभी भी चांसेस हैं, यही एक रीजन है जिसके लिए मैं कह रहा हूं ब्राइट चांसेस। अब ये डिपेंड करता है कितना टाइम स्पेंड करता है, अगर यहाँ पे 15 दिन टाइम स्पेंड कर देगा तो ये लेवल उठ के काफी ऊपर आ जाएगा, तो इस जो ऑरेंज लाइन का ये मैं लाइन है इसको फॉलो करते रहो, अगर ये इसके आसपास आता है या फिर ये इसके ऊपर जाता है, इस रेंज के आसपास आ जाता है, प्राइस टच करता है, जस्ट डू द एवरेजिंग, अगर आपको एवरेजिंग वापस करना है तो। अगेन 30,000 के बाद 2023 का, अब 2025 के इन्वेस्टमेंट जर्नी का तो बेस्ट एंट्री चला गया बॉस, अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिला डिस्काउंटेड प्राइस में तो जरूर फ्यूचर में बताएंगे, बट फिलहाल अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनता है तो इस जोन में बनता है जिसका रेंज स्टार्ट होता है 28,200 से, और WMC के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल 30,000 के आसपास बना हुआ है। फ्यूचर के चार्ट भी कहीं ना कहीं हमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है, कई लोग बोल रहे हैं CME गैप है, ज्यादा कुछ नहीं हो, 1 आवर या 2 आवर के चार्ट पे गैप है, ज्यादा कोई बड़ा गैप नहीं बना के गया है मेरे ख्याल से, मैंने वेरीफाई नहीं किया, इफ आई विल लुक इन टू दिस, इनफैक्ट आई डिड नॉट फाइंड वेरी बिग गैप, देर इज अ वेरी स्मॉल गैप, बट स्टिल आप कंसिडर कर सकते हो, ये लेवल भी बता रहा है 29,600 से लेकर 29,800, तो चांसेस है, चांसेस है, बट इसके लिए बैठना मत,
क्योंकि अगर ये हुआ ट्रेंड, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है स्विंग का तो उसको फॉलो करते रहना, और आप इंडिकेटर बेस्ड हो या फिर WMC बेस्ड हो उसको फॉलो करते रहना, और जब यहाँ पे आए तो एक्युमुलेशन कर लेना, बट इसके लिए बैठना मत। अगर उससे पहले कोई रिवर्सल साइन देता है तो ये जो पुल बैक आएगा उसमें रिवर्सल अगर साइन दिख रहा है तो एक्युमुलेशन कर लेना, क्योंकि नाउ वो टाइम गया बॉस, वो टाइम गया जब आपको 30,000 के बिलो, मतलब 2 साल नहीं 3 साल ऑलमोस्ट एक्युमुलेशन देखने को मिला है, 2021 का पूरा आधा, फिर उसके बाद हमने 22 पूरा, और 2023 में भी हमने ऑलमोस्ट देखा है वो पीरियड। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे दिया मार्केट, मार्केट इतना ज्यादा जो है दानवीर नहीं होता जनरली। अब एक बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन का तो मूव हो गया जो होना था। अब जो लोग पुराने हो वो लोग आ जाओगे वापस, अगले जो लोग नहीं आए वो भी अगले 2-3 महीने में आ जाएंगे, जैसे बिटकॉइन 40,000 या 36,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है, वो लोग भी आ जाएंगे मार्केट में। लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं ना, वो वाकई में बता रहा हूँ, बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो नए प्लेयर अभी जुड़ेंगे। नए प्लेयर तब जुड़ेंगे जब 50,000 या 60,000 क्रॉस करेगा मार्केट वापस से, और ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तब तो ऑब्वियसली नए प्लेयर आएंगे। तो उनका एडवांटेज अगर आपको लेना है तो आपको पहले एक्युमुलेशन करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना। एक और एनालिसिस जो मैंने आप लोग को शेयर किया था अगस्त के मंथ में, मैंने कहा था कि ये बेस्ट सपोर्ट एरिया होता है, लेकिन ये भी तोड़ा हमने, और जो बाकी के स्टडी मैंने उस वक्त शेयर किया था वो फाइनली प्ले आउट हुआ। 25,000 वाला लेवल टेस्ट हुआ, सपोर्ट लिया, फाइंड आउट किया सपोर्ट, और अब बहुत सॉलिड, एक बार टेस्ट फेल, फिर टेस्ट ब्रेकआउट फेल, टेस्ट पास, फिर से ब्रेकआउट, और ये कौन सा अटेम्प्ट है, इसका पहला अटेम्प्ट यहीं पे था, ये सेकंड अटेम्प्ट इसके लिए था, फेल हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में तोड़ दिया, फेक आउट आया, फोर्थ अटेम्प्ट में फिर ये पास हो रहा है, फिर से एक बार। अगर आप 2019 के जर्नी को फॉलो करोगे, वहां पे कितने बार हुआ था, एक बार में इसको क्लियर किया, एक बार में इसको क्लियर किया, सेकंड टाइम जब इसको टेस्ट करने आया तो पास होने की कोशिश किया लेकिन फिर फेल हुआ, यानी कि ये सेकंड अटेम्प्ट था यहां से ऊपर जाने का, फिर से फेल हुआ, और थर्ड टाइम नीचे आया, कोविड का डंप दिखा, फिर ऊपर चला गया, फोर्थ टाइम ये ऊपर चला गया। तो मुझे बहुत कम चांस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही लग रहा है कि ये वाला सिनेरियो प्ले आउट होने वाला है इस बार मार्केट साइकिल में। यस, एक पुलबैक जरूर देखने को मिलेगा, बट वो ये लेवल के आसपास आने के बहुत कम चांसेस है। मैं अगर 2019 और 20 के मार्केट के यू नो कैप्चर करूं तो मैं बार बार बोल रहा हूं 2015 जैसा मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, 2015 से थोड़ा सा डिफरेंट हम बिहेव कर सकते हैं, और अब तो वो चार्ट पे क्लियर है ना, हम 2015 जैसा चल रहे हैं, ना 2019 जैसा चल रहा है, हम हमेशा यूनिक चलते हैं, बट फिर भी मार्केट कॉपी कैट है, पुराने मूव्स कॉपी करता है। और मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट अब की बार सपोर्ट ले लिया इसके ऊपर तो कुछ ऐसा मूव देखने को मिल सकता है, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले 2-3 महीने में। तो दिस इज व्हाट वीकली चार्ट पे मैं आने वाले डेज में यू नो 46 48 जाता हुआ देख रहा हूं, और ये फिगर लास्ट ईयर भी वैलिड था, बट लास्ट ईयर मैंने कहा था कि बहुत मुश्किल होगा एक बार में जाना, बट इस बार आई एम वेरी मच प्रिटी कॉन्फिडेंट। तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन की, बिटकॉइन के बहुत सारे एनालिसिस मैंने रिकैप करा दिए हैं। अब बात कर लेते इथीरियम का। इथीरियम का मैंने ये चार्ट आप लोगों को शेयर किया था जब मैंने आप लोगों को कहा था, जब इथीरियम यहां इस जो जगह पे था ना, इस जगह पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि गाइज ऐसा हो सकता है, ये जुलाई है मंथ, अगस्त के मंथ के आसपास यहां पे था मार्केट, मैंने आपको कहा था कि गाइज इथीरियम में बेस्ट चांस अब हो सकता है कि इथीरियम हो सकता है ब्रेकआउट करे। तो जो लोग कंफर्मेशन देखते हो इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री बना सकते हो, लेकिन द वेव द ट्रेंड लाइन, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है, ये अभी का नहीं है। देखो कितना ब्यूटीफुली उस टाइम तो मैंने प्रिंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट थिंग, बट अब देखो कितना ब्यूटीफुली इस पैटर्न को यू नो टेस्ट किया, इस पैटर्न से अगर निकला भी तो कहां से हमें, देखो एक जगह कैंडल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला इस कैंडल में, फिर से वापस ऊपर आ गया, और अब इस वीक फिर से ऊपर। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, इथेरियम का बेस्ट बाइंग एरिया अभी भी $1,700 के आसपास मिल सकता है, तो यस मिल सकता है, अभी भी हम इस पैटर्न में है, बेस्ट थिंग ये है। और अगर बिटकॉइन 36,000 तक टच होता है तो ये भी $2,000 तक टच हो जाएगा, लेकिन फिर जो अगर पुलबैक मिलता है तो जहां पे बिटकॉइन में मैंने कहा चांसेस है कि 30,000 के बिलो चला जाए, लेकिन चांस ज्यादा वेट नहीं करना इस बार, थोड़ा सा कोशिश करना 30,000 की रेंज में एंट्री बनाने के लिए धीरे धीरे करके, एटलीस्ट अगर छूट गए हो तो फ्रेश एंट्री कोई जरूरी नहीं है बनाने की, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो तो। एंड यहां से पुल बैक मिलेगा तो यहीं के आसपास मार्केट फिर से सपोर्ट ढूंढेगा, तो अभी जहां पे है इसके बिलो बॉस कहीं पे भी एक्युमुलेशन करो, इथेरियम इज बेस्ट एक्युमुलेशन जोन अभी भी है। ऑल दो मैंने आप लोग को यहीं पे बोला था कि अगले 2 महीने बहुत चांसेस ब्राइट हैं, एक्युमुलेशन करना शुरू कर दो $1,800 के आसपास, आज भी हम वहीं पे बैठे हैं, लेकिन इसके नीचे वर्स्ट के सिनेरियो में जा सकता, और अगर गया तो यहां पे बहुत ब्राइट चांसेस है, तो खुल के करना। तो आज पीछे मुड़ के देखो, ये भी 16 अगस्त या 15 अगस्त का एनालिसिस है, और ये वीडियो भी एग्जैक्ट हिट किया हमारे टारगेट को और बाउंस दे दिया इथेरियम ने। अभी थोड़ा बहुत हमें होल्ड देखने को मिलेगा इस जगह पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, इथेरियम कम क्यों मूव दिखा रहा है, इथेरियम नोटिस किया 10% बढ़ा है इस हफ्ते, लेकिन अगर आपने बिटकॉइन का चार्ट अगर नोटिस किया तो बिटकॉइन जो है ऑलरेडी
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस हफ्ते 14% बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिंपल रीजन है बॉस, उसका रीजन जो लोग हमें फॉलो करते हैं बहुत दिनों से उनको पता है, वो है डोमिनेंस चार्ट। डोमिनेंस चार्ट जिसके टारगेट की बात मैंने कहा था कि यार मैंने कहा था कि अगस्त के बाद एक अपॉर्चुनिटी देखता हूं मैं, बहुत पहले जनवरी ऑनवर्ड से कह रहा था कि बीटीसी पेयर में अपॉर्चुनिटी देखता हूं, बट जब ये मूव आया ना मैंने बोला मैं कन्विंस नहीं हूं, एक और रैली आएगा और मिनिमम टारगेट यहां तक जाएगा। और आज की डेट में ये बात कब की है, सितंबर की बात कर रहा हूं, जब ये ब्रेकआउट हो रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये टारगेट जाएगा और आज अक्टूबर एंड होते होते यहां पे पहुंच गया है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये भी बता देता हूं कहां तक अभी भी और चांसेस हैं। देखो 0.5 जो फेब लेवल है वो 56 के आसपास है, तो यहां तक इसके जब तक रिवर्सल नहीं मिलता तब तक मैं कुछ नहीं एक्शन लेने वाला हूं। बट आप इंडिविजुअल ऑल्टकॉइन की लिस्ट पे जाके देखोगे तो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे बैठा हुआ है। कैसे पता चलेगा? ऑल्टकॉइन की लिस्ट आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में मिल जाता है। उनका बीटीसी पेयर का चार्ट ओपन करके देखो, अभी लेना है नहीं लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ कुछ ऑल्टकॉइन नया लो बना रहे हैं बीटीसी पेयर में, दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी इथेरियम के चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो यहां तक अगर गया तो मार्केट तो रुला देगा और यहां पे एक हफ्ते में पहुंच सकता है, एक हफ्ते में ये भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बट अगर पुल बैक आया तो पुल बैक अगर यहां पे आता है तो एक छोटा मिनी रैली जरूर देखने को मिल सकता है, बट कंफर्मेशन उसके बाद ही देखेगा आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे एक दो हफ्ते और स्पेंड करने वाले हैं, शायद नवंबर 10th या फिर उसके बाद जो है हमें रिवर्सल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंफर्म होना शुरू हो जाए। और वर्स्ट केस में अभी भी क्या 60 जा सकता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाइज यस, गोल्डन रेशियो है वहां पे, लेकिन मैं कहूंगा रेंज यहीं से स्टार्ट होता है। तो मैं अब फिगर को देखने लगा हूं, बहुत क्लोजली मॉनिटर करने लगा हूं और बहुत तेजी से मोमेंटम आ रहे हैं, तो अभी क्लोजली जो है मॉनिटर कर रहा हूं मैं। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनेगा, मैंने कुछ ऑलरेडी बीटीसी पेयर में एंट्रीज ऑलरेडी शेयर कर दी है हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो आप वहां पे एक्युमुलेशन के बारे में धीरे धीरे सोचना। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी या WMC आता है तो उसको वहां पे अप्लाई करना ताकि आप बेस्ट एंट्री ढूंढ पाओ, हो सकता है उससे भी बिलो जाए, बट वो एक्युमुलेशन एरिया रहेगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, अब बात करता हूं यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस अचानक से इतना ज्यादा ड्रॉप दिखाया क्यों सबको पता है, बट इसका जो इंपैक्ट हुआ तो दिखी गया मार्केट में। और कितना कर सकता है? हमारे उसी जोन पे जहां पे हमने प्रॉफिट मेकिंग किया था उसी जोन से अब वापस से सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा और यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा मार्केट अगले कुछ हफ्ते। और हो सकता है, चांसेस आर ब्राइट कि नवंबर फर्स्ट वीक या फिर उसके ऑनवर्ड थोड़ा सा पुलबैक एक अच्छा खासा देखने को मिले। अगले वीक भी मिल सकता है क्या? तो यस मिल सकता है, मंथली क्लोजर जब तक नहीं होता थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, मंथली क्लोजर के बाद थोड़ा सा चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। इथेरियम बीटीसी पेयर पे लोग कहेंगे ये चार्ट का ब्रेकआउट पैटर्न है, ब्रेकआउट अगर है तो इसका टारगेट जो है काफी नीचे है। बिल्कुल सही बात है, ब्रेकआउट अगर ये है तो इसका टारगेट बहुत नीचे है, 0.03, तो आप डर जाओगे। तो आपको याद दिला दूं इथेरियम का वो चार्ट जो मैंने आप लोग को कहा था कि ब्रेकआउट है, लेकिन ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इधर आएगा, लेकिन अपने को एक्युमुलेट करना है। ठीक वैसे ही इथेरियम बीटीसी पेयर में अगर आप एक्युमुलेशन के बारे में सोच रहे हो या ऑल्टकॉइन कर रहे हो तो थोड़ा सा डोमिनेंस चार्ट को फॉलो करना सीखो, अगर नहीं आता तो मत करो। बेस्ट एक्युमुलेशन जोन मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले एक डेढ़ साल दो साल से बोल रहा हूँ, 0.05 जो है बीटीसी पे इथेरियम जो है बीटीसी पेयर पे बेस्ट एक्युमुलेशन एरिया है। बट क्या वो तोड़ सकता है? मोमेंटम में कुछ भी पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कन्फर्मेशन लो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर दो वीक यहाँ पे स्पेंड कर देता टाइम तो भी चांसेस आर ब्राइट कि हम फिर यहीं से रिटर्न ले लेंगे और अल्टीमेटली ये भी फेक आउट निकल सकता है। बट स्टिल क्या ये चांसेस हैं? तो चांसेस ब्राइट रहेंगे, इसलिए आपको कहा थोड़ा सा कन्फर्मेशन लेना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। जिनको WMC आता है वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं आता है वो जरा मुझे फॉलो करो इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वहां पे मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करूंगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा वक्त आने पे। और इथेरियम USDT चार्ट पे भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, डेफिनेटली इस सब को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब इथेरियम में अपॉर्चुनिटी चल रही है, बिटकॉइन का अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जा चुका है और बाकी ऑल्टकॉइन में अपॉर्चुनिटी क्यों आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप 1.2 ट्रिलियन वापस से क्रॉस कर गया हमारे क्रिप्टो मार्केट का। सो कांग्रेचुलेशन अगर आप पिछले दो साल से लगातार मार्केट में हो और इतना गंदा वाला मार्केट झेल लिया आपने, और अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता है, लास्ट टाइम जब यहां पे गया था 10 अप्रैल 2023 को, तो मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट नहीं क्रॉस करेगा, अगला टारगेट जरूर ये है, और अगर रिजेक्शन मिल गया तो बस तो यहाँ पे गेम खराब हो सकता है, इसलिए प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो इंडिविजुअल ऑल्टकॉइन पे। और वही हुआ, अल्टीमेटली हम वहीं पे घूम रहे हैं फिर से, ये थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट यहीं पे फेल हुआ एंड थर्ड अटेम्प्ट ये है, तो ये थर्ड अटेम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली हम पास करने वाले हैं, यानी कि टोटल मार्केट कैप अब बढ़ने वाला है। और अगला जो मेजर टारगेट है
वो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर। एंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर में यहां से बिटकॉइन का ओवरऑल जो मूव मैं यहां से देखता हूं, ऑलरेडी बिटकॉइन 35,000 पे है, तो ओवरऑल अगले यहां से अगर एग्जैक्ट बिटकॉइन के प्राइस की बात कर लूं तो अभी इनफैक्ट मैं बिटकॉइन के जो है चार्ट पे लेके चलता हूं आपको, तो आइडिया लग जाएगा वहां से। बिटकॉइन का ये मार्केट कैप है, बिटकॉइन का मार्केट कैप में ऑलरेडी 2 वीक लगातार सर्च किए हम, एंड ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पे हम जो है, इफ यू नोटिस दिस इज द फेब लेवल 0.382, और यहां पे रुकेगा मार्केट, हो सकता थोड़ा बहुत स्पाइक दिखा दे, रुकेगा मार्केट, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा, और सपोर्ट एक बार मिल गया तो फिर हम ऊपर जाने के लिए रेडी, और यही होगा फाइनल वाला टारगेट मोस्ट प्रोबेबली 0.5 या गोल्डन रेशो। और गोल्डन रेशो गया तो 48,000, अगर यहीं से रिजेक्शन मिला तो फर्स्ट लेवल इज 40,000 to 42,000, तो ये वो लेवल है। तो इस बीच में देखो ग्रोथ ऑलरेडी जो है मार्केट ने 14% का इस वीक दे दिया, लेकिन अब यहां से मार्केट अगर मैं देखूं ओवरऑल कितना दे सकता है मार्केट, ज्यादा से ज्यादा यहां से 30% और बिटकॉइन ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऑल्ट कॉइन अगर मार्केट कैप की बात करूं 30% मार्केट कैप का अगर मैं बात करूं मैक्सिमम 100 बिलियन डॉलर और, तो अगर ये टोटल 1.2 ट्रिलियन लगभग 1.5 ट्रिलियन कम से कम होने वाला अगले 2-3 महीने में, तो इसमें से मात्र 100 बिलियन डॉलर ही बिटकॉइन का शेयर होगा, यानी कि बढ़ेगा कौन, ऑल्ट कॉइन गाइज। तो यहां पे अगर मैं 1.2 पे और 1.5 जाने वाला है तो लगभग 300 बिलियन मार्केट बढ़ने वाला है, उसमें से 100 बिलियन बिटकॉइन का निकाल दो तो 200 बिलियन डॉलर ऑल्टकॉइन में पंप होंगे। तो अगर ये 200 बिलियन डॉलर आता है तो डेफिनेटली हमारे ऑल्टकॉइन में बहुत बड़ी रैली अभी देखने को मिलेगा, जो भी आपने देखा है इससे भी बड़ा, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस के साथ, जिनमें आ गया उनमें थोड़ा सा ब्रेक, और जिनमें नहीं आया उसको ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये एक सेकेंड जो है जो टारगेट लेवल मैंने आपको बताया, ये शायद हमें दिसंबर तक रीच होता हुआ दिखे, कई बार 2 हफ्ते में रीच हो जाता है, That is different thing. लेकिन दिसंबर तक कम से कम वर्स्ट केस में 1.59 ट्रिलियन, बेस्ट केस में अगर बिटकॉइन 40,000 की तरफ बढ़ता है तो 1.8 ट्रिलियन तक जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो है 100-150 बिलियन डॉलर बिटकॉइन का शेयर होगा, बाकी 300 से 400 बिलियन डॉलर ऑल्टकॉइन का। तो बहुत बुरी तरीके से जो है ऑल्टकॉइन बढ़ेंगे। अब जरा मैं एक और ग्राफ आपको शेयर कर दूं, ये हमारा डोमिनेंस चार्ट टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, यानी कि ऑल्टकॉइन का, और ऑल्टकॉइन का जो मेजर जो रिजेक्शन पॉइंट बनता है 611 बिलियन डॉलर पे, और ये भी फर्स्ट जा चुका है, सेकंड फेल हो चुका है, ये थर्ड अटेम्प्ट होगा, तो ये थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है डायरेक्ट लगा दे अगले एक हफ्ते में, ऐसा हो सकता है लगा दे, और फिर उसके बाद पुल बैक देखने को मिले, एंड फिर उसके बाद जब बढ़ेगा तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और अभी भी ये EMA लाइन ही है मात्र, याद रखना, एंड जो मेजर जो मैं देखता हूं लेवल, कम से कम वर्स्ट केस में दिसंबर तक 700 बिलियन डॉलर जाने की कोशिश करेगा, और ये 200 बिलियन डॉलर यहां पे भी फिगर आता है। तो एक चीज क्लियर है, बिटकॉइन का बेस्ट टाइम एक्युमुलेशन चला गया है, ऑल्ट कॉइन का, इथेरियम का प्रेजेंटली है, और ऑल्ट कॉइन का चल रहा है और स्टार्ट हो चुका है, अगर आप सेफ खेलते हो तो। आप बोलोगे कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन तो बहुत भाग गए, अरे भाई आप रिस्की एंट्री क्यों प्लान करते हो, उस ट्रेन में घुसो ना जिसमें ज्यादा दम है, और अभी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है इसीलिए बिटकॉइन में ज्यादा पावर, बिटकॉइन अगर 14-15% मूव दिखा रहा है तो इथेरियम 10% मूव दिखा रहा है, 4% इथेरियम बीटीसी पेयर पे गिर रहा है, लेकिन व्हाट विल हैपन अगर बीटीसी पेयर में बढ़ने लगा और ऑल्टकॉइन और बिटकॉइन होल्ड करने लगा, जिसके चांसेस 36,000 के बाद ब्राइट हो जाएंगे, अगर बिटकॉइन 2 हफ्ते रुक गया ना तो डोमिनेंस चार्ट गिर सकता है, गिरना शुरू हो सकता है, या फिर होल्ड करने लगेगा, और ऐसी सूरत में ऑल्टकॉइन आपको डबल रफ्तार में बढ़ने दिखेंगे। तो ये सब होने में मुझे लगता है 2-3 महीने का टाइम लगेगा, और जो 6 महीने का मैं कैलकुलेशन लेके चल रहा था मार्च तक का, वर्स्ट केस वो हो सकता है दिसंबर या जनवरी तक ही टारगेट दे जाए, जो भी मैं बता रहा हूँ 40,000 का या 45,000 का या 48,000 का बिटकॉइन के चार्ट पे, इथेरियम के चार्ट पे वो लेवल्स मैंने लास्ट इथेरियम के एनालिसिस में शेयर किया था। तो इस वीडियो के साथ आपको पूरा डिटेल एक बार पूरा रिकैप करवाया मार्केट को, लेटेस्ट चार्ट पे आपको अपडेट कराया है कि अब ऑल्टकॉइन में क्यों, और ऑल्टकॉइन में हम सेफ हो गए, और यहां से बिटकॉइन का बढ़ना तय है, हायर लो एंड हायर हाई ही बनाएगा ओवरऑल, हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो कि हमें चाहिए ऑल्टकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहां पे ऑल्टकॉइन में पॉसिबिलिटीज हैं, अच्छा खासा गेन मैंने आपको मार्केट कैप पे एक आइडिया दे दिया है। अब हम ऑलरेडी जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऑलरेडी कुछ कुछ कॉइन शेयर कर चुके हैं, उनको अगर आप एक्युमुलेशन से छूट गए हो तो डोंट वरी, बट उसमें और भी अपॉर्चुनिटी आएगी, जो भी वीकली एनालिसिस होगा उसके अंदर मैं जब भी लाइव क्लास करूंगा, शायद इस वीकेंड भी एक क्लास कर लूं अगर टाइम रहा तो डेफिनेटली आपके पास उसके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो जरूर जो है आप लोग अक्टूबर खत्म होने से पहले इसको ज्वाइन कर लो, और जो लोग अक्टूबर के बाद ये वीडियो देख रहे हो, सॉरी गाइस अब ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है का मतलब क्या है, मार्केट रिस्की हो चुका है,
एटलीस्ट प्री हार्विंग जो एक बुलिश रन होता उसके लिए। इसके बाद एक और फ्री एंट्री ओपन करूंगा मैं 2024 में, वो कब होगा एग्जैक्टली आपको 2024 में बता दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो लोग बाइनेंस पे ट्रेड करते हो, यहाँ पे ये 10% डिस्काउंट लिंक है, बट ये लिंक अपडेट करना मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, तो ये आप 20% का डिस्काउंट लिंक है। बेसिकली आप जब 500 BNB होल्ड करते हो तभी आप 20% तक जो है मार्केट में किसी को रेफरल के लिंक बना के दे सकते हो, तो वो मैंने लिंक आप लोग को शेयर कर दिया, बायबिट का लिंक है। अगर आप मेरे साथ इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए तो आप इन दो लिंक के हेल्प से कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो फॉरेक्स में जो लोग डील करते हो मैंने उसका भी रिकमेंडेशन दे रखा है, और जो लोग को पता नहीं है नवंबर में स्टॉक मार्केट का यूट्यूब चैनल ऑलरेडी ओपन कर दिया मैंने, उस पर पहला एनालिसिस आने वाला है, क्योंकि निफ्टी जो लो बना रहा है इस वक्त वो शायद बेस्ट बाइंग एरिया हो सकता है, तो इसके ऊपर भी मुझे जल्द ही वीडियो बनाना होगा, अदरवाइज निफ्टी की रैली निकल पड़ेगी यहां से। तो मैं नवंबर से स्टार्ट करूंगा, देखता हूं जब भी होगा जल्दी आपको स्टॉक मार्केट के यूट्यूब चैनल पे अपडेट दिखेगा। और जो लोग मेरे साथ इंडिविजुअली 1-to-1 और लाइव सीखना चाहते हो तो 3 month का मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने अगस्त में लॉन्च किया था, जिसका कॉस्ट 20,000 हो गया है, जो कि आपको 20,000 का नहीं पड़ेगा, जो कि मैं टेलीग्राम पे बार बार पिछले नवरात्रि के ड्यूरेशन में काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया हुआ था, और 1 November से पहले अभी भी डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है। कहाँ पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो, और जो लोग इस बैच में थे उनका आप देख लो, मोर देन 95 hours के कंटेंट उनको सर्व किए गए हैं पिछले 2.5 महीने हुए हैं, अभी इनका पूरा 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, 14 November से पहले, मतलब ये अगले वीक जो है इनका 3 month कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट। अगर डेट वाइज देखोगे तो 14 November है, बट वीक वाइज देखोगे तो इनका कंप्लीट हो चुका है, वीक अगले वीक जाके कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक में। तो anyway, इनका 3rd month कंप्लीट होने वाला, और इसी बैच के स्टार्ट होने के बाद मैंने अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट बैच भी मैं 14 November के बाद स्टार्ट करूंगा, हो सका 1-2 दिन का डिले लूंगा क्योंकि मुझे गैप चाहिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो आपको अगर मेरे साथ सीखना है तो आप ये पेज चेक कर सकते हो डिटेल में, समझने के लिए क्या क्या टॉपिक मैं कवर करता हूँ, कैसे कैसे करता हूँ, कितने कितने आवर्स मैं लेता हूँ, लाइव क्लासेस कितने बड़े बड़े होते हैं, सब आपको आइडिया लग जाएगा। रिकॉर्डिंग वाले जितने भी हैं वो सब लाइव क्लासेस हैं, बाकी सारे जो हैं वो आपको नोट्स के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में दिए जाते हैं, सारा कुछ इन डेप्थ WMC से लेके मोमेंटम स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन सब कुछ सिखाता हूं विद 1 year एक्सेस इंक्लूडिंग मोमेंटम स्ट्रैटेजी के। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस रेट में, नहीं सिर्फ 1 November से पहले अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको मात्र और मात्र 12,000 पे मिलेगा, जो कि लास्ट जो बाइंग हमारी प्राइस थी उससे काफी कम है, काफी हैवी डिस्काउंटेड रेट पे, लगभग 60% डिस्काउंट रेट पे आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे 14 November से 14 February का बैच का लिंक अवेलेबल है, आप जब पेमेंट कर दोगे तो आपके पास जो ये लिंक दिखेगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, जिसे ज्वाइन करने के बाद आपको वेट करना है, उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन शेयर किए हुए हैं वो सारा कुछ आपको फॉलो करना है और वेट करना है। 14 November से पहले मैं आप लोगों के साथ सिंक करूंगा, आपको एक्सेस दूंगा हमारे कोर्स का। एंड यही नहीं गाइस, और इसके अंदर क्या क्या मिलता है मैंने बता दिया, WMC मिलता है एंड प्राइस एक्शन सिखाता हूं, प्लस मैं लाइव ट्रेडिंग करके आपको बताऊंगा, आपके सारे डॉट्स क्लियर करूंगा लाइव सिखाता हूं, हमारे जो मास्टर कोर्स के बेस्ट कंटेंट है वो सारा कुछ देता हूं, तो वो सारा कुछ आपको एक प्राइस में मिलता है। और आपको पता है मास्टर कोर्स की एंट्री अब कभी नहीं ओपन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत 1 साल का कंटेंट, 1 साल का टाइम कोई नहीं देना चाहता, और 1 साल के लिए जो मैं फी चार्ज करता हूँ बहुत कम होता है, तो उतना एनर्जी मैं नहीं सब कर सकता। इसी वजह से मैं इसका एक मिड पाथ लेके आया, जिसमें लोग कम टाइम में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाए मेरे साथ, एंड उनको एक्सेस देता हूँ बहुत कुछ का। एंड गाइज, आई थिंक सम इशू विद द वेबसाइट, सो आपको बस मैं इतना रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो है, आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जाना है वेबसाइट पे, और डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको 20,000 वर्थ जो बैच होने वाला है वो आपको मात्र 12,000 में टिल 1 November तक मिलेगा, उसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 15,000। प्लीज डोंट आस्क मी फॉर द डिस्काउंट गोइंग फॉरवर्ड। एंड इसके अंदर मोमेंटम स्ट्रैटेजी, प्लस मोमेंटम स्ट्रैटेजी के ऊपर एक अपडेट है गाइस, एक ऑलरेडी इंडिकेटर मैंने आप लोग को शेयर कर दिया है, वॉल्यूम वॉलिटिलिटी ट्रेंड मास्टर, जो कि हम स्विंग स्ट्रैटेजी के लिए यूज करेंगे, जो कि हमारे मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि अगस्त मंथ में मैंने शेयर किया था उसके ऊपर एड ऑन होगा, और ये ऑलरेडी मैं मेंटरशिप बैच में स्टार्ट कर चुका हूं शेयर करना, आप लोगों के पास भी आ जाएगा एक्सेस
जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हो इस कोर्स में, और कोर्स की ट्रेनिंग बहुत कम है, कॉस्ट 99 रुपीज ओनली या 1 ईयर एक्सेस के साथ डिपेंड्स यहाँ पे, और इनफैक्ट फ्री ट्रायल 1 डे दे रखा है, बट आप अगर इंडिकेटर एक्सेस करते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। और टू बी फ्रैंक ये प्राइस अब रिविजिट होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे इंडिकेटर 3 कैटेगरी के अब प्रोवाइड किए जाएंगे, स्विंग स्ट्रैटेजी भी शेयर किए जाएंगे, तो प्राइस बढ़ जाएगा। जिन लोगों को ऑलरेडी परचेस कर चुके हो उनको उसी प्राइस में, अगर 1 ईयर का परचेस किया हो तो आपको मिल जाएगा। आपको क्या इतना प्राइस पे करना है 1 ईयर का, तो नहीं, आपके लिए बहुत मिनिमल प्राइस पे अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाके वहां से परचेस कर सकते हो। अराउंड में 12 मंथ का एक्सेस आपको जो है मोमेंटम इंडिकेटर का मात्र 11,000 पे मिल जाता है। तो आपको अगर इंटरेस्ट आता है तभी लेना, अदरवाइज मत लेना। और सबसे बेस्ट पैकेज इसके अंदर 3 मंथ मेंटरशिप के अंदर आपको कितना चड्डी द गड्डी ऑफर मिल रहा है, यानी कि आपको WMC मिल रहा है, आपको 3 महीने तक लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपके डॉट्स क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, आपको पूरा स्ट्रैटेजी दूंगा, आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी का एडवांस स्ट्रैटेजी जो WMC के साथ लगाना वो दूंगा, प्लस आपको गाइड करूंगा कि जब अकाउंट बड़ा हो जाए तो कैसे हैंडल करना है, कैसे रिस्क रिवार्ड मैनेज करना है। 1 साल तक की पूरी एंट्री दे दूंगा, तो समझो 12,000 में आपने क्या क्या लिया जो मैं कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों मैं इंडिकेटर को महंगा और कोर्स को सस्ता सेल करता हूं, उसका रीजन ये है ताकि लोग लर्निंग पे फोकस करें। एंड इस मोमेंटम इंडिकेटर का जो सक्सेस रेट है, मैं क्लेम नहीं करता, मेरे सब्सक्राइबर मोर देन 90% का एक्यूरेसी मिलता है लोगों को, एंड मैंने तो खुद अपने लाइफ में 95% तक एक्यूरेसी रीच किया, एंड वर्स्ट केस में जिनको कुछ नहीं आता, WMC भी नहीं आता, उनके भी 75% तक। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेंटरशिप बैच ज्वाइन करने का, और नवंबर से पहले करोगे बहुत अच्छा डिस्काउंट, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा प्राइस 15,000, एंड सेकेंड वीक यानी कि जैसे जैसे लेट लास्ट वीक में हम पहुंचेंगे इसका प्राइस हो जाएगा 15,000 पहले फर्स्ट वीक के लिए, एंड सेकेंड वीक में इसका प्राइस हो जाएगा ओरिजिनल MRP के आसपास 20,000 के आसपास। तो आप अगर भुनाना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप सीखोगे तो आपको फायदा क्या होगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोई क्वाइन 10x करता है तो आप अपने क्वाइन को, अपने पैसे को 100x कर लोगे उसी क्वाइन के बेसिस पे। यस गाइस, सो दैट इज द पावर ऑफ यू नो ट्रेडिंग, एंड उसको कब कहां कैसे यूज करना है वो सब मैं आपको इनडेप्थ बताता हूं। तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। एंड याद रखना, सीखने के बाद ना किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने मालिक खुद हो, आप अपने बॉस खुद हो, मर्जी आपकी है, एक्शन आपका है। 2023 में अगर नहीं सीखो, सबसे बेस्ट ईयर है सीखने का, मैं बार बार बोलता था, अब वो टाइम शायद धीरे धीरे जा रहा है, अभी भी एक लास्ट फेज है जो कि आप अवेल कर सकते हो, और ये लास्ट बैच हो सकता है उस अवेल पीरियड का जिसमें आप सीख के बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी कर पाओगे लाइव मार्केट में, और मस्त आपको मार्केट उसके नेक्स्ट 1 ईयर में रिटर्न पे रिटर्न देगा। मार्केट नहीं देगा, आप निकालोगे, मार्केट नीचे जाएगा तो भी निकालोगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी निकालोगे, सीखने का यह फायदा है। अगर कुछ नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट अब भी उसे भी आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके ही मैं रिकमेंड करता हूं, अदरवाइज आपको बहुत लंबा होल्ड करना पड़ जाता है। तो गाइस मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, अगले अपडेट के साथ। ये वीडियो काफी एक्सटेंडेड था, काफी लंबा था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ समराइज किया, एंड होपफुली अगला वीडियो छोटा होगा, क्रिस्पी होगा, शॉर्ट में होगा, और उसमें टू द पॉइंट बात होगी कि वो ऑल्ट पॉइंट कौन सा है जिसमें अपन एंट्री ले सकते हैं। यूट्यूब पे मैं पहली बार पब्लिश करूंगा, एंड जो लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी में हो ऑलरेडी कॉइन्स के लिस्ट अवेलेबल है, आप लोग जरूर जाके स्टार्ट कर दो उसको वॉच करना, और अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी आता है टेक्निकल एनालिसिस का उसे लगाओ और उसके बेसिस पे बाइंग करो, अदरवाइज जो मैंने जोन बोला है उसके आसपास कंसिडर कर सकते हो, एज्यूमिंग कि आपको जो मैंने रिस्क रिवार्ड बताया वहां पे वो जरूर मेंटेन करोगे। तो गाइज मिलता हूं अगले किसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।